नमस्कार, कैसे हैं आप सब? तो आज बना रही हूँ बंदा गोभी और मटर की बहुत ही स्वादिष्ट सी सब्ज़ी, जो कि बहुत जल्दी फटाफट बन जाती है। इसे सुबह के नाश्ते में बनाइए, डिनर में बनाइए, बहुत ही अच्छी लगती है, सबको पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड, रेसिपी शुरू करते हैं। बंदा गोभी की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने उसे इस तरह से काटा है, ये धुले हुए हैं, और ये मैंने एक बड़ी साइज़ का प्याज लिया है और एक कटोरी मटर, ये बारीक कटे हुए लहसुन, ये मैंने साबुत लहसुन की कलियां भी रखी है, और एक चम्मच के करीब मैंने जीरा लिया है। दो चम्मच के करीब मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, इसमें डालेंगे दो सूखी मिर्च और तेज़पत्ता। यहाँ मैंने कुछ साबुत लहसुन भी लिया है और बारीक कटे हुए भी, ये इसमें डालेंगे। एक चम्मच के करीब जीरा डालें, यहाँ एक बड़ी साइज का प्याज डालेंगे और इसे लाल होने देंगे। यहाँ प्याज जब थोड़ी भुन जाए तो यहाँ बारीक कटी हुई अदरक डालेंगे। और साथ ही साथ डालेंगे एक कटोरी के करीब हरी मटर। इन्हें भी अच्छे से प्याज के साथ ही हमें भून लेना है। गैस का फ्लेम हमें तेज नहीं करना है इस सब्जी में, हमें थोड़ा मीडियम फ्लेम पर ही सब्जी को बनाएं। यहाँ नमक डालेंगे मटर में, नमक डालने से मटर थोड़ा जल्दी हो जाता है। साथ ही साथ मैं इसमें मसाले डालूंगी, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से मसालों को मिक्स कर लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है मटर और बंदा गोभी की ये सब्जी, और इसमें बहुत ही कम मसालों में बनकर ये तैयार हो जाती है, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसे बनने में। यहाँ मटर करीब करीब जब हो जाए, मतलब 50% या 40% के करीब भुन जाए, तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे बंदा गोभी। यहाँ गैस के फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। एक छोटी साइज का टमाटर हुआ है, टमाटर है, मैंने इसमें डालूंगी। यहाँ देखिए फ्रेंड, अब बहुत अच्छे से सब्जी मसालों के साथ भुन गई है, तो करीब 5 मिनट के लिए इसे हम कवर करें। 5 मिनट हो गए हैं, यहाँ चेक कर लेते हैं। देखिए सब्जी काफ़ी अच्छे से हो चुके हैं, मटर भी काफ़ी अच्छे से हो चुके हैं, और अब इसमें एक मेन इंग्रेडिएंट्स और डालेंगे जिससे इस सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा, और वो है मसाला एंड मैजिक। तो ये पूरा हम इसमें डालेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और उसके बाद हमें गैस को बंद कर देना है। यह सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है, इसे रोटी से खाइए, गर्मा गर्म चावल से खाइए, बहुत ही अच्छे लगते हैं इसकी ये सब्जी। तो ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।